कहते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। अब भला कौन सोच सकता था कि 40 सदस्यीय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हिमाचल प्रदेश से हार का सामना करना पड़ेगा, वो भी देश के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी जैसे भारी भरकम उम्मीदवार को लेकर। सिंघवी को हम भारी भरकम क्यों कह रहे हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन चुनाव में हार के बाद उन्होंने क्या कहा पहले ये सुनिए। पूछना चाहता हूँ, नहीं सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष भाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है, लेकिन सिंह भी कई मौकों पर बीजेपी को झटका देने की कोशिश करते रहे हैं। मोदी सरनेम मामले में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और उनको सूरत कोर्ट के फैसले से आजादी दिलाकर संसद की सदस्यता वापस दिलवाई। सिंह भी कई मौकों पर बीजेपी के विरोधी दलों के बीच कड़ी का काम भी करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उनका संसद पहुंचना असहज करने वाला था। राजनीति से इतर भी सिंघवी एक बड़ी हस्ती है। अभिषेक मनु सिंघवी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल केस लड़ने के अलावा वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनकी गिनती देश के सबसे मशहूर वकीलों में होती है। साल 1997-98 में वो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में खास बात यह है कि वो ऐसे पहले वकील हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया था। गांधी परिवार के नजदीकी अभिषेक मनु सिंघवी धन दौलत के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। उनकी गिनती अमीरों में होती है। नामांकन के दौरान दी गई जानकारी में ये बात निकलकर सामने आई थी कि सिंघवी के पास नगद में 70 लाख और उनकी पत्नी के पास 2,84,000 रुपए हैं, जबकि सिंघवी के पास 1,458 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति और 414 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। बताया गया है कि ये संपत्ति वकील की फीस, संसद के वेतन और निवेश रिटर्न से उनके पास आई है। इसके अलावा सिंघवी के पास मर्सिडीज बेंज, टोयोटा फॉर्चुनर समेत 2 4-पहिया वाहन है। उन्होंने 500 ग्राम सोना और 60 किलो चांदी होने का जिक्र भी अपने शपथ पत्र में किया था। इसके अलावा बैकग्राउंड की बात की जाए तो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का जन्म 24 फरवरी 1959 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने बीए, एमए, पीएचडी तक पढ़ाई कर रखी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से पीआईएल की भी पढ़ाई की है। न केवल भारत बल्कि सिंघवी ने विदेश जाकर भी शिक्षा ग्रहण की है। वो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करते हुए एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। सिंघवी ने जुडिशियल साइंस में पीएचडी भी कर रखी है। बहरहाल राज्यसभा के रोचक मुकाबले में बीजेपी के हर्ष महाजन ने टाई ब्रेकर में अभिषेक मनु सिंघवी को मात दे दी है। चुनाव में दोनों तरफ से 34-34 वोट पड़े थे। इसके बाद पर्ची निकली जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन का नाम था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग का फायदा भी मिला। कुल मिलाकर सिंघवी ये मुकाबला हार गए। पूछना चाहता हूँ, नहीं सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष भाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।